बनारस की गलियों में आए और बनारस में आपने पान नहीं खाया तो समझ लीजिए बनारस अभी अधूरा है। बनारसी पान जो कि पूरे देश भर में जाना जाता है और यहाँ पर अब तक मैंने जितने लोगों को देखा है मुझे ऐसा लगता है कि बनारस के 90% लोग पान खाते हैं और पान बनाने वाले भी पान खाते हैं। ये देखिए ये भी पान खा रहे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और बनारसी पान के बारे में। और पान की तो इतनी लाखों दुकानें यहाँ पे हैं, यहाँ पर आपको हर मतलब समझ लीजिए कि हर 100 मीटर में कम से कम 10 से 20 पान की दुकानें मिल जाएंगी। यहीं पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे करीब 4 दुकानें जरा से केवल 10 कदम की दूरी पर 4 दुकानें पान की हैं। और इस तरह से जगह जगह पर हजारों नहीं लाखों दुकानें बनारस के अंदर आपको पान की मिल जाएंगी। इतने लोग नहीं है जितनी बनारस में पान की दुकानें हैं। अब कितने लोग खाते हैं, क्या जानकारी है बनारस के बारे में, जो पान की जो विशेषता है वो आइए जानते हैं भाई साहब से। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय चौरसिया। अजय चौरसिया जी, तो थोड़ा बनारस का बनारसी पान अलग अलग होते हैं क्या? तो बनारस में मीठा से ज्यादा तो ज्यादा खाने वाले हैं लोकल जो हम लोग हैं यहाँ बहुत ज्यादा, कई लाख मतलब करोड़ों में समझ लीजिए। करोड़ों में कौन सा वाला? जर्दे वाला। जर्दे वाला, हाँ। तो यहाँ बनारस में सबसे ज्यादा जर्दे वाला पान खाया जर्दे वाला। अब बाहर के लोग आते हैं जैसे कि हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तो यहाँ बनारस के पान खाते हैं। अच्छा, अगर बनारस के पान खाए हुए उनको जो है नहीं पड़ता कहीं ना कहीं खाते। मैंने यहाँ पे देखा जो लोग बना जो पान बेचते हैं वो पान खाते भी हैं। हाँ, हम लोग एक खाते भी ऐसा बंदा नहीं मिला मुझे जो पान ना खाता हो। ना खाते। पान खाके ही पान बनाने का मजा है। उसका मजा ही है क्योंकि हम लोग को हर चीज का टेस्ट हम लोग को करना पड़ता है। अच्छा, अभी ना हम लोग किसी को बताएंगे कि क्या चीज। सही बात है, ये एकदम ईमानदार और परफेक्ट दुकानदार है। और यहाँ पर कितनी दुकानें होंगी भाई साहब? किसी लाइन में समझ लीजिए कि 1-2-3 3 दुकान है। नहीं, पूरे बनारस में कितनी दुकान है? बनारस में कई लाख दुकान है, कई लाखों के ऊपर ही है। पिताजी पहले हमारे दादा लगाते थे, उसके बाद पिताजी हम हैं। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या पान का चलन कैसे शुरू हुआ, लोगों ने पान कैसे खाना शुरू किया, इसके बारे में कुछ पता है आपको? पान नहीं, पान तो बनारस का पान है, पान तो हर जगह आपको मिलेगा। बनारस में कहीं भी जाएंगे आपको ही पान मिलेगा और जहाँ भी हट करेंगे पान आपको नहीं। तो यहाँ पान कितने सालों चल रहा है इसका किसी को नहीं पता? किसी को बस पान खा रहे हैं। पान खा रहे। ये शुरुआत अब ये 70 है, समझिए 70 हम आपको बताएं इससे पहले से जो है ये चला आ रहा है। अच्छा, अभी आप पुराने लोग नहीं है जिन्हें आपको बता सकते। अच्छा, मतलब पुराने लोग बचे ही नहीं है? बचे ही नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है, कह रहे हैं कि पुराने लोग ऐसे कोई बचे ही नहीं है जो आपको पान के इतिहास के बारे में बता सके। हम लोग तो सब उनकी पुछते हैं। हमारे दादा परदादा यहाँ पान की दुकान लगाते थे, पान चबाते थे और पान लोगों को खिलाते थे। उसके बाद में हमें नहीं पता इतिहास के बारे में, किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बस इतना बताया कि भाई पान खाते हैं और पान खाते ही हैं। यहाँ पर आप देखिएगा हर आदमी अगर किसी की रास्ता पूछेंगे तो बोलाएंगे अच्छा ऐसा है आप यहाँ से वहाँ तक जाइए, तो सबकी इसी तरह से बोलते हैं। बड़ा प्यारा लगता है और यहाँ की भाषा भी बहुत मधुर और बहुत प्यारी है, बहुत प्यार से यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं। आप बनारस आइएगा। और पान का तो हम क्या कहें, पान तो यहाँ जो लोग कहते हैं। और यहाँ पर पान की कोई वैरायटी की कोई अंत है या नहीं? वैरायटी कोई अंत नहीं है, वो बनता चला जाएगा। आप जितना महंगा चाहें उतना महंगा बन जाएगा। सबसे महंगा कितना है? सबसे महंगा यहाँ पे 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, बट 50 रुपए तक ये हम बताते चले जा रहे हैं। देखिए ये केसर है, केसर, ये गुलाब जल है, गुलाब जल, ये बाबा चटनी है, ये मीठा चटनी है, तो इसको मिक्स कर दिया जाता है कि आप लोगों को काटे न छूना। अच्छा, इसको मिक्स भी किया जाएगा? हम लोग कर देते कि चूना रखता है, काट लेता है ना। अच्छा, वो मीठा सुपाड़ी बनारस का, मीठा सुपाड़ी बनारस का सुपाड़ी, ये सुपाड़ी है। वो सजा पड़ा है, ये गुलकंद, गुलकंद, अरे बाप रे, भर के डाल दिया भाई, बिल्कुल गुलकंद एकदम। मुझे आओ भाई साहब से पूछना है पान के बारे में, थोड़ा जानकारी ले सकते हैं हमारे। अच्छा, ये पुराने पान खाने वाले हैं। ये बन जाए थोड़ा तो? हाँ, ये बन जाए। ये क्या है? ये मीठा सौप है, मीठा सुपाड़ी है, तो सुपारी लगता है, वही इलायची है, ये है गड़ी, ये मीठा मसाला है, ये टेरी है। ये क्या है? टेरी है। भाई भर दिया है पान एकदम।
ये आएगा कैसे? बस आ जाएगा, आ जाएगा। आके देखता हूँ, मुझे लग नहीं रहा आप आएगा, लेकिन मैं कोशिश। नहीं नहीं, पूरा अड्डा लेते रहिए, खाते रहिए, कोई दिक्कत। अच्छा, बड़े प्यार से बनाया मेरे लिए। और अब ये गुरु जी से हमारे ले सकते हैं। गुरु जी एक पान खा, गुरु जी बटा हुआ। आप नहीं, एक को आप पकड़े रहिए ना। हाँ देखिए, अभी से आप लेते रहिए। गड्ढा पान अंदर जा रहा है। अब इनसे आप पूछ सकते हैं, जैसे कितना दिन से पान खा रहे हैं, जैसे का पान आप पूछ सकते हैं। आप पूछिए ना। अरे आप पूछ सकते हैं, आप खाइए, अंदर लेके पूछ रहे हो, हम क्या बोलते हैं। मैं पहले दो मिनट से शांत हूँ, देखो इतना ज़्यादा आइटम मेरे पान में डाला गया है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में अब तक, हालांकि मैंने पान बहुत ज़्यादा नहीं खाया है, लेकिन इतने सारे मिश्रणों का और इतने सारे कई वैरायटी के स्वादों का पहली बार मैंने आज अनुभव लिया है। मतलब पान रखते ही ऐसा लग रहा है कि मैंने सैकड़ों स्वाद एक साथ मिश्रण किए हुए अपने मुंह के अंदर रख लिया है, और इतने तरह तरह के स्वाद मेरे अंदर आ रहे हैं, पान के अंदर आ रहे हैं, कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और सबका स्वाद, सबसे खास बात यह है कि सभी का स्वाद, एक एक चीज़ जो पान के अंदर डली है, उन सभी का स्वाद अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पान एक साथ मिला हुआ है। मतलब स्वाद अलग अलग है पर एक जगह है। अब सोचिए कि वो पान मैं खा रहा हूँ तो मुझे कैसा अनुभव हो रहा होगा। मैं बस आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा कि पान वाकई, अगर पूरे देश भर में, अगर मैंने कई पान की दुकानें, मतलब वीडियोस देखी हैं, 5,000 का पान, 10,000 का पान, इस तरह का पान, उस तरह का पान, लेकिन जो स्वाद यहाँ पे है ना, आप 5 रुपए का, 6 रुपए का पान खा लीजिए यहाँ का, आप पाँच छः रुपए का यहाँ पे पान खा लीजिए, उसमें भी स्वाद कुछ अलग ही होगा। ये भाई साहब भी बनारस के रहने वाले हैं, क्या नाम है जी आपका? अमिताभ दीक्षित। क्या? अमिताभ दीक्षित। अमिताभ जी हैं, अमिताभ दीक्षित जी। तो ये बताइए भाई साहब कि यहाँ पे जो पान की शुरुआत है वो कैसे हुई है, और कितने सालों से यहाँ पान खाया जा रहा है? देखिए, जो वाराणसी है, काशी है, इसका पूर्व में नाम हुआ करता था आनंदवन। भगवान शंकर को पान का, तांबूलम कयर कयामी का प्रसाद के रूप में, बाबा शंकर को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और उसी को प्रसाद के रूप में काशी में बनारसी पान का प्रारंभ, काशी में सुनाट और भगवान शंकर के नाम से उस प्रसाद के ही रूप में तांबूलम कयर कयामी के साथ स्टार्ट हुआ। और ये बनारसी पान अपने आप में पूरे वर्ल्ड में बनारसी इस और बनारसी पान मशहूर है, वो इसलिए मशहूर है कि जो बनारस का पान होता है उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो जर्दा हो, चाहे सुपारी हो, चाहे कप्ता हो, यहाँ पे शुद्ध 100% शुद्ध रूप से इस तरीके का तंबाकू और सुपारी और पान और कत्ते का मिश्रण होता है, वो शरीर को किसी भी रूप से नुकसान न पहुँचाए। मतलब ये कहा जाए तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब शुद्ध और बढ़िया होती हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की पान में तो कतई मिलावट नहीं हो सकती, किसी चीज़ में मिलावट होगी पर पान में मिलावट नहीं कर सकते, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर लगभग कितने % लोग पान खाते हैं? बनारस का जैसे मीठा पान है, सूखी का पान है, सादा का पान है, गाँव में 80-90% बच्चे भी खाते हैं, वृद्ध लोग भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं, और एक तरीके से पूरी काशी वासी भांग और पान
भगवान शंकर के प्रसाद के रूप में लेती रहती है और खाती रहती है, मस्ती के साथ जिंदगी का आनंद लेते हुए हर हर महादेव करती रहती है। कैसी लगी हमारी वीडियो, कैसा लगा ये पान? पान तो मैंने ही खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप आइए खाइए और फिर बताइए कैसा लगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, खासकर बनारसी वासी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हर महादेव।